नमस्ते बच्चों। तो क्रिया के दूसरे भाग के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। ये बहुत ही छोटा भाग है और बहुत ही आसान भी है। तो प्रयोग के आधार पर, मतलब किस तरह से हम क्रिया यूज करते हैं, उसके आधार पर क्रिया में और कुछ भागों को हम देखते हैं, जिसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए। बहुत ही आसान है। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने का बोध करे, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देना चाहते हैं तो वो है टीचर्स के लिए। देखिए, टीचर्स हम लेसन कर देते हैं और किसी को हम प्रश्न पूछते हैं, अगर वो आंसर बता रहे हैं बच्चे, तो वही आंसर हम दूसरों को रिपीट करने के लिए कहते हैं। जो क्रिया मैं कर रही हूँ लेकिन मुझसे प्रेरित होकर वही काम हम दूसरों से कराते हैं, तो वह बनते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना मतलब पता है ना आपको, इंस्पायर करना, दूसरों को वही काम करने के लिए प्रेरणा देना। तो क्रिया में भी वही असर होता है, कर्ता स्वयं अपना काम न करके बल्कि वही काम दूसरों को कराने के लिए अगर प्रेरित करता है तो वह बनते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल के लिए टीचर, मैंने आपको कहा, मैं कहूंगी अब देखो बच्चों, मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताया है, तो एक एक एग्जाम्पल दीजिए। मेरा काम, मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है उसके आधार पर आप अपने खुद के उदाहरण हमें बताइए। तो ये होती है प्रेरणा देना। ओके, देखिए एग्जाम्पल। अध्यापक छात्रों से पत्र लेखन लिखवाते हैं। पत्र लेखन कैसे लिखते हैं ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको एक बार हम लिखवाना चाहते हैं तो प्रेरित करते हैं कि आप लिखें, तो आप हमसे प्रेरणा लेकर पत्र लेखन लिखते हैं, तो यह बनते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल नंबर दो, माँ ने बच्चे को खाना दिलवाया, कहीं और से बच्चे के लिए माँ खाना लेकर आई और दूसरों को कहा कि उसको भी खाना दे दीजिए, तो अपना काम स्वयं न करके वही काम दूसरों से करवाने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है ना बच्चों। यस, सूचना। प्रेरणार्थक क्रिया के चार अंग होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में हम चार अंगों को देखते हैं, एक धातु, क्रिया, प्रथम और द्वितीय। ये सिर्फ अंग है। तो अब हम आएंगे अगले भाग में, वह है प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद है। कौन कौन से? एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, तो दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दो भेद हम देखते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, जब कर्ता, कर्ता मतलब पर्सन, स्वयं कार्य में भाग लेकर काम करने का प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों और एक बार, कर्ता स्वयं मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको कह रही हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया ऐसे होते, तो स्वयं मैं काम कर रही हूँ और उसमें मैं भाग भी ले रही हूँ, मतलब मैंने आपके लिए डेफिनेशंस लिखा है, एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए सेट किए हैं, खुद मैं करके उसमें उस कार्य में मैं खुद भाग लेती हूँ, तो उसे बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं भाग लेकर काम करने की प्रेरणा दे रहा है, तो इसलिए उसको हम प्रथम कहते हैं। उदाहरण देखिए, गुरु छात्रों को प्रबंध लिखना सिखाती है। गुरु या गुरुजी छात्रों को प्रबंध लिखना सिखाती है। प्रबंध कैसे लिखा जाता है पहले आपको हम समझाते हैं। तो उसमें हो गया कि हम भी उसमें स्वयं कार्य में भाग लिए हैं और उसको हम आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा, सुरेश रमेश को पुस्तक दिलाता है। सुरेश यहाँ पर खुद पुस्तक लाकर दूसरों के लिए बोलकर अपने मित्र के लिए पुस्तक लेकर आया, तो वहां पर खुद भी वह काम कर रहा है और साथ में प्रेरणा भी दे रहा है कि कैसे वो काम किया जाता है, तो यह होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। हर क्रिया में आपको प्रेरणा मिलना ही चाहिए, किस तरह से करना है, किस तरह से उसे करवाना है, दो अलग अलग भाग है, प्रथम और द्वितीय। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, पहले मैं
कर्ता स्वयं काम कर रहा है, काम करके दूसरों को प्रेरित करता है। दूसरे में कर्ता स्वयं काम नहीं करके, न करके दूसरों को वही काम करने के लिए प्रेरणा देता है, तो वहां बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए उदाहरण, माँ बच्चों को नौकर से दूध पिलवाती है। माँ चाहती है कि बच्चा दूध पिए, लेकिन माँ खुद यहाँ पर काम नहीं कर रही है, वो क्रिया नहीं कर रही, लेकिन वही क्रिया वो नौकर से बोलकर करवा रही है, तो यहाँ होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा, माँ दिवाली के लिए बच्चों से दिया बनवाती है। दिया खुद भी बना सकती है, तो खुद बनाती है तो प्रथम हो जाता है क्रिया, लेकिन वही काम अगर वो प्रेरित होकर दूसरों को करवाती है दूसरों से, तो वह बनती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये हो गए दो क्रिया के, प्रेरणार्थक क्रिया के भागों का विवरण। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के लिए उदाहरण तालिका किस तरह से है, हम कैसे लिख सकते हैं, चार अंगों के अनुसार किस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया तैयार होते हैं। तो चार भाग हम लोग, चार अंग देखते हैं इसमें। पहला धातु क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ अगर धातु है तो पढ़वाने तक इसके चार अलग अलग क्रियाओं के भागों को हम देख रहे हैं, एक धातु क्रिया, प्रथम और द्वितीय। नेक्स्ट है कर, कराना, कर, करना, कराना, करवाना। लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना। भेज, भेजना, भिजाना, भिजवाना। सुन, सुनना, सुनाना, सुनवाना। धातु, धातु को जोड़कर क्रिया बने, क्रिया को कर्ता पहले करता है, उसी क्रिया को दूसरों से करवाता है। तो ये हो गए प्रेरणार्थक क्रिया के चार अलग अलग अंगों के प्रकारों के उदाहरण बने हैं। तो आज के प्रेरणार्थक क्रिया के आधारित आज के आपके गृह कार्य के प्रश्न इस तरह से है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, उसके लिए आप पांच उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है 10 प्रेरणार्थक क्रियाएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ लिखिए, उदाहरण हमें नहीं चाहिए। तो आज के पाठ के आधार पर ये तीनों प्रश्न आप अपने ग्रामर क्लासवर्क में लिखेंगे बच्चों। धन्यवाद।